हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक गरीब परिवार को दलित समुदाय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि दलित समुदाय के लोगों द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में जान से मारने, दुष्कर्म करने और झूठे जात पात के केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। लोगों ने SP शिमला से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की महिला अध्यक्ष अमिता सूद ने बताया कि वो ढली की रहने वाली हैं और वहां कुछ अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उनको एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवार के लोगों को जान से मारने व दुष्कर्म करने जैसी धमकियां दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचित करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैम, मेरा नाम अमिता सूद है और मैं शिमला से सामान्य वर्ग संयुक्त मंच से महिला अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पे शहरी गरीब परिवार योजना के अंतर्गत ढली BPL कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। आज मेन मोटिव SP मैडम से मिलने का ये है कि ढली कॉलोनी में जर्नल फैमिली के 8 से 10 परिवार हैं और वहाँ पे मतलब बाकी के जितने भी परिवार हैं वो कास्ट के लोगों के हैं और वो लोग पहले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ रेप जैसी वारदात करने की बात रख रहे हैं और अगर हम कहीं पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो उस चीज़ का हमारे लिए कहीं भी सुनवाई नहीं है। कल उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस वालों को ढली से बुलाया क्योंकि हम लोग ढली थाना जा रहे थे SHO के पास अपना मुद्दा रखने, किस तरीके से यहाँ पे ये लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ इस तरीके से बिहेव हो रहा है। तो उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत उनको बुलाया और जो पुलिस अधिकारी आए थे SI रैंक के, उनका बिहेवियर हम लोगों के साथ इतना गंदा था कि वो कहते कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है यहाँ पे जो तुम्हारे लिए यहाँ खड़े रहेंगे, अगर कानून के रक्षक ही हमारे साथ इस तरीके से बात करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो मेन मोटिव आज SP मैम के पास यही था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हरास हो रहे हैं और इस तरीके से जो भी 8 से 10 परिवार है जिनके ऊपर इन्होंने एट्रोसिटी के मुकदमे करे हैं, मारपीट करी है, धमकियां दी हैं, तो वो भी हमारे साथ आए हैं। तो आज हम उनको अपनी एप्लीकेशन देंगे और इस चीज़ को उनके सामने रखेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। जो परिवार है वो डोली नाहर है एक लेडी और उनके देवर है अर्जुन नाहर, जो कि ये कहते हैं कि कृष्णा नगर मोहल्ले से हम लोग गुंडों को बुलाएंगे और इनके साथ हम मतलब गलत काम करेंगे, इनको हम इतनी गंदी लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और जब हमने मेरे संगठन से सीनियर जो कार्यकारिणी टीम आई थी जब उन्होंने लाइव किया तो उन्होंने उस लाइव को लेके हमारे ऊपर केस कर दिया कि हमने वहाँ पे उनके नाम लिए। अब जो लोग हमें धमका रहे हैं तो हमारा राइट बनता है उनका नाम लेने का कि ये लोग हमें अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हैं और धमका रहे हैं। कृष्णा नगर में क्या गुंडे लोग रहते हैं? उनका मेन चीज़ यही है क्योंकि वहाँ पे उनकी लोगों की यूनिटी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने शरेआम हमें बोला है कि हम मोहल्ले वाले हम ना पुलिस बुलाएंगे क्योंकि पुलिस भी हम हैं और कानून भी हम है, हम नहीं पुलिस को बुलाएंगे, हम काट के फेंक देंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। उनके अंगेंस्ट अब क्या एप्लीकेशन देंगे आप? मैंने ऑलरेडी 21 तारीख को SP मैम की नॉलेज में भी मेल करी हुई है, एडिशनल DC को भी मेल है, DC सर को भी मेल है और थाना ढली को भी मेल है, ये मार्क होगी है BCS महिला पुलिस स्टेशन के लिए। तो अब ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।